जी, पिछले सत्संग में एक प्रसंग के दौरान ये बात आई थी कि आपने बोली थी कि तीन चीजें हैं जिसमें कि व्यक्ति बहुत सीक्रेटिव होता है, मनी मैटर्स, सेक्स मैटर्स और तीसरा सत्संग डेथ। तो वो दो बातें तो समझ में आती हैं सीक्रेटिव होने की। ये जो डेथ है, मृत्यु है, इसकी स्वीकार्यता अभी तक क्यों नहीं हो पाई? कहीं एक लाइन भी पड़ी थी जिसमें था कि जीवन का स्वागत करना तो हम लोग सीख गए हैं लेकिन जीवन की विदाई करना नहीं सीख पाए। तो सभ्यता के विकास क्रम में ये अब तक बात कैसे नहीं आ पाई? देखिए, इसमें फिर वही बात है कि ये सारा आध्यात्मिक विकास से जुड़ा हुआ मसला है कि व्यक्ति जितना अपने से दूर होता है उतना ही अपने खोने से डरता है, और जितना अपने नजदीक आ जाता है वो जीवन का अनुभव कर लेता है तो उसको खोने का उतना डर नहीं लगता। वैसे तो देखिए तीनों विषय इसलिए मैंने कहा कि ऐसे हैं कि लगता है कि हमेशा हम उनके संपर्क में, लेकिन इन पर बात करना और इनको समझना सार्थक ढंग से ये बहुत कठिन। कोई भी व्यक्ति गंभीरता से सार्थक या एक्सप्लोरेशन की दृष्टि से इनमें बात नहीं करता। मृत्यु की घटना जैसे आप पूछ रहे, बचपन से लेके आखिर तक मृत्यु पर बहुत आराम से बैठकर बातचीत होती हो घर में। ऐसा संभव नहीं होता कि कभी माँ बाप बैठ के बात करें कि हाँ देखो सब की मृत्यु होती है, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा और इसलिए आज के दिन का हम लोग अच्छे सदुपयोग कर, इस तरह की बात ही नहीं होती। कोई बात शुरू करेगा तो कोई किसी के मुंह पे हाथ रख देगा तो कोई का चुप हो जाए, ये बातें मत करिए, ये बातें कभी कर लीजिएगा, बात होने ही नहीं दी जाती। जबकि ये इतना अब दिन हुआ है तो ये बात करने में अड़चन नहीं होती, कभी रात आ जाएगी थोड़ी देर में, फिर हम लोग लाइट का इंतजाम करेंगे, फिर जैसा भी व्यवस्था होगी रात की व्यवस्था होगी। तो मौत भी उस तरह से, जो जीवन अगर दिन की तरह है तो मृत्यु रात की तरह है, तो वह आनी ही आनी है। अगर बातचीत और सार्थक ढंग से समझ हो रही हो तो मैं समझता हूँ जीवन जीने की जो चेष्टाएँ हैं वो ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। अगर लोग इस बात के लिए अवेयर हों कि कल हम नहीं हो सकते, कल तुम भी नहीं हो सकते हो, तो बहुत सारे झगड़े झंझट और बहुत सारी मूर्खताएं हमारी विदा हो सकती हैं, लगेगा कि क्या करना है। आदमी ही मान के चलता है कि जैसे हम जाएंगे, कहने को जो कहेगा कि मौत तो सत्य है लेकिन उसके जीने की जो स्टाइल है, जो जीने का तरीका है, अगर उसका असेसमेंट किया जाए तो उससे लगता है कम से कम 1000 साल तो आदमी को जिंदा रहना है। जो उसका डेली रूटीन है, इतनी चीजें उसने अपनी फैला रखी हैं, इतने उलझाव चाहे उसके इल्यूजन के हों चाहे मन के उलझाव हों, और आराम से जिंदगी जी रहा है, सुबह से रात तक उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ धैर्य पूरा होना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी अच्छी चीजों की हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजें दोबारा होने वाली नहीं है। एक बार रीडर्स डाइजेस्ट में ऐसी बड़ी सुंदर सी घटना निकली थी, छोटी सी घटना थी। तो एक दो मित्र होते हैं, बहुत अच्छे मित्र होते हैं, तो वो कहीं बाहर चला गया, एक मित्र बाहर चला गया, तो पुरानी बात थी तो सोचता है उसको चिट्ठी लिख देता हूँ, रोज सुबह उठ के सोचता है आज इसको चिट्ठी लिख देता हूँ। ये सोचते सोचते उसको एक महीना हो गया कि चिट्ठी लिख देता हूँ। एक महीने बाद उसने चिट्ठी लिखी, डालते डालते उसको हफ्ता भर हो गया कि आज डालाता हूँ आज डालाता हूँ, डालाया, चिट्ठी चली गई। और फिर वो लिखता है कि उस मृत्यु का ही उसने उस घटना में वर्णन किया था। 15 दिन में चिट्ठी वापस लौट आती है कि 20 दिन पहले ये सज्जन नहीं रहे, तो उनके घर में अब कोई चिट्ठी रिसीव करने के लिए, तो उनके एड्रेस पे वापस लौट आती। तो सोचते मैं 20 दिन पहले नहीं रहे, मैं सोच रहा था 1 महीने पहले से, हफ्ते भर डाली नहीं,
यानी अगर मैंने जिस दिन सोचा था उसी दिन डाल दी होती तो उनको जीते जी चिट्ठी मिल गई होती। तो जिंदगी में ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम मिस कर देते हैं। ये इसलिए क्योंकि मृत्यु की चर्चा नहीं होती। मृत्यु की चर्चा होने में संभावना बन सकती है कि हम अच्छे काम जल्दी जल्दी करेंगे, और फिर दोनों जो मिस्ट्रीज हैं उनको समझने के लिए भी हम ओपन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है। लाइफ और डेथ इंटर रिलेटेड इसलिए है क्योंकि एक के लिए जब अवेयर होते हैं दूसरे के लिए भी हम जागते हैं। ऐसे देखें तो जीवन के प्रति भी कोई अवेयर नहीं है। ये एक अजीब सी जिसको कहते हैं कि स्लीप वॉक है, नींद में चलने वाली अवस्था, कि मृत्यु के लिए अवेयरनेस नहीं, जीवन के लिए भी अवेयरनेस नहीं है। बस रोबोट की तरह से हम सुबह उठे, सब स्टार्ट हो गई मशीन, और रात को सो गए, फिर सुबह उठे। एक रोबोटिक मैकेनिज्म है जो फंक्शन कर रहा है। लाइफ का जो स्पार्क होना चाहिए वो नहीं। कभी कभी एक्सीडेंट्स में, बीमारियों में, इन सब में वो थोड़ा लाइफ का वो आता है ग्लिम्स व्यक्ति के पास कि अच्छा धूप भी अच्छी होती है, सुबह का होना कितना अच्छा होता है, हाथ किसी का जब नहीं उठता है बीमारी में 10 दिन, और फिर जब वो थोड़ा सा हाथ उठा पाता है तो उसको लगता है हाथ उठाना भी कितना खुशी देने वाली घटना है। हर चीज, और हम इन खुशियों को कभी महसूस नहीं कर रहे। आज हम बैठे हैं, कितनी बड़ी मिस्ट्री। लोग जिन्ना है तो एनलाइटनमेंट की मिस्ट्री के पीछे हैं, बट मिस्ट्रीज राइट नाउ हम बोल पा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, समथिंग इज हैपनिंग, ये उससे कम मिस्टीरियस नहीं है जितना मिस्टीरियस एनलाइटनमेंट है। या कहें कि इस मिस्ट्री को समझ लें तो वही शायद एनलाइटनमेंट बन जाए। सिमिलर चीज, नहीं सुन पाएंगे तब क्या होगा, मृत्यु इसी बात की घटना है। फिर मृत्यु में एक और तथ्य है जिसको व्यक्ति स्वीकार करना नहीं चाहता, उस कारण से भी उस तथ्य को अवॉइड करता है। जैसे व्यक्तियों को एक चीज शिक्षा दी जाती है कि तुम पूरा अपना जीवन तुम्हें बनाना है, तुम्हें सब कुछ करना है। वो भी एक पहलू है कि तुम, हमें बहुत कुछ करना है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, बट एट द सेम टाइम हमसे भी कुछ बड़ा, हमसे भी कुछ विराटतर यहाँ पर काम कर रहा है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। यानी कि मृत्यु में एक टीचिंग ये होती है कि जीवन की जो बहुत सारी घटनाएं हैं वो आपके हाथ में नहीं, आपके नियंत्रण में नहीं। और जब दो सांस लेना भी हमारे नियंत्रण में नहीं है तो नियंत्रण में क्या है? कोई और ऐसी अदृश्य सत्ता है जो अपना काम कर रही है। इससे व्यक्ति घबराता है। हमारी लाइफ की सारी टीचिंग है कि सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लो, और नियंत्रण में लेने का भाव अहंकार का होता है। यानी और मृत्यु के नियंत्रण में नहीं लिया जा सकता। नियंत्रण में लेने की आप कोशिश कर सकते हैं, बट वो एक प्लेफुल चीज है कि आपने ऐसा किया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और रहस्य भी चल रहा है। तो आप अब देखिए, हम मेडिकल साइंस के भी चाहे जितने उसके विकास हो चुके हों, या कितना भी किसी के पास पैसा हो, कुछ भी हो, मृत्यु ही ऐसी घटना होती है जो एकदम से उसको वहां पर लाके खड़ा कर देती है कि ना पैसा हमारा काम आ रहा है, ना हमारा हमारी अप्रोचेज काम आ रही है, ना उस समय उसको बिल्कुल नाचीज होने का जो एहसास है वो करा देती। तात्पर्य ये नहीं कि व्यक्ति नाचीज, तात्पर्य यह है कि इस विराट अस्तित्व में हम ऐसे ही हैं तिनके की तरह, इसको जान लेना, तो इसमें कोई पीड़ा नहीं। फिर हम इसमें बल्कि ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं कि हम उस शक्ति से ही क्यों न जुड़े जो हमसे, हमारी सीमित सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, हमारी सीमित सोच वहां तक नहीं पहुंचती जहां तक। तो इन पहलुओं पर व्यक्ति कभी देखना नहीं चाहता।
और ये सब डिस्टर्बेंसेस कहीं से भी आ सकते हैं, कभी भी आ जाते हैं। तो जीवन की जो अनिश्चितता की प्रक्रिया है उसको भी हमेशा ध्यान में रखना, उससे जीवन समृद्ध होता है। और जो लोग देखिए जीवन में बहुत आगे जाते हैं वो अनिश्चितता का स्वागत करते हैं। जीवन अनिश्चित है, हमको नहीं पता अगले कदम पर क्या होने वाला है। हम सारी गणित निश्चित निश्चित की बिठा के चलेंगे, अनिश्चित एकदम सेंटर कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा कहीं से। अब शरीर है तो शरीर का सदुपयोग करना है, ना कि हमको शरीर को बचाए रखने की उसी में लगे रहना। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो कहेंगे सब नाप तोल के एक एक चीज शरीर को दे दें, ठीक है, हम मेरे के नहीं देना चाहिए, वो भी देना चाहिए, लेकिन सहजता से। शरीर तब भी जवाब दे जाता है, सारे नीत नियम कायदे कानून हमने सब पूरे किए होते हैं, तब लोग शिकायत करते हैं कि हमने तो इतना नीत नियम वाला जीवन जिया और हमारे साथ भी ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका कोई नियम नहीं, वो अनिश्चित जगत से। तो ये सब अगर बातें घरों में बहुत सहजता से होने लगे तो मैं समझता हूँ जीवन जीने की बहुत सारी जो अवस्थाएं हैं वो हमारे लिए सुलभ हो जाएं और खुल जाएं। अब बच्चे ही हैं, देखिए कितनी सुसाइड कर लेते हैं, उनके रिजल्ट्स खराब हो गए या सुसाइड कर लिया, ये घटना भी उसी जुड़ी, क्योंकि घर में ये बात नहीं होती। उनसे कहीं रिजल्ट खराब हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, दो नंबर तुम्हारे कम आए ज्यादा आए इससे क्या अंतर पड़ता है, जिंदगी इससे कहीं बड़ी है। सुसाइड मृत्यु का अनुभव नहीं है, वो मृत्यु से बचने की कोशिश है। क्योंकि जब भी आत्महत्या होती तो लोग लगता है कि आत्महत्या में शायद व्यक्ति मरना चाहता है, जबकि आत्महत्या का मनोविज्ञान ये है कि आत्महत्या में व्यक्ति मौत से बचने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाता है कि आंख छुपा लें हम। और यही सब हमारी अहंकार की मृत्यु है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ और हम उस सबको देख रहे हैं, तो वो भी काइंड ऑफ डेथ है। हमारी आइडेंटिटी क्या आइडेंटिटी है इंसान की, कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी पे लड़ मरेंगे, अपने नाम पे लड़, नाम भी क्या है, उसका क्या वजूद है। तो इन सारी चीजों को जो देख ले उसके हाथ में फिर वो कुंजी आ जाती है, इसीलिए मृत्यु की चर्चा से व्यक्ति बचता है। मर जाएगा लेकिन मर जाना ये नहीं कि मृत्यु को जान रहा है, जो व्यक्ति मृत्यु से बचना चाहेगा वो सबसे पहले मरने की कोशिश करेगा, हमेशा ध्यान देने की बात है। अगर कोई कहे कि मैं मरने से नहीं डरता तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि मृत्यु उसके लिए कोई समझदारी पूर्ण चीज है। वो मरने से इसलिए नहीं डरता क्योंकि वो अपनी मूर्खता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो कोई समझदारी लाने के लिए तैयार नहीं, वो किसी भी अच्छी चीज के लिए तैयार नहीं। तो उसका यह है कि मर जाएंगे, ठीक है। Thank you.